Assalamu alaikum. JavaFx in Urdu. Lecture number 7. Introduction to Variables. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम इनको कैसे बनाते हैं, इनका क्या फायदा होता है और इनको बनाने की रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं। वेरिएबल वो बॉक्सेस होते हैं रैम के अंदर जो आपकी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। जैसे कि आपको मैं ये दिखाता चलूं कि ये फॉर एग्जांपल मेरे पास रैम है, तो ये जो बॉक्सेस हैं, मतलब अगर मैं वेरिएबल बनाऊंगा तो रैम के अंदर क्या बनेगा, वो बॉक्स बनेगा उसी नाम से और उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ। आप वेरिएबल्स किन टाइप्स के बना सकते हैं वो यहाँ पे लिस्ट मौजूद है। आप इंटीजर वेरिएबल्स बना सकते हैं। अगर आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो आप उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज लाइक 1, 2, 3, 4 एनी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अगर आप फ्लोट टाइप का क्या बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, तो आप उसके अंदर ऐसी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं जिनके दरमियान में पॉइंट आता है। अगर आप सी एच ए आर मीन करेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो उसके अंदर आप कोई सिंगल करेक्टर ए बी प्लस एनी कोई स्पेशल सैंपल स्टोर करा सकते हैं। अगर आप बाइट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो आप उसको -127 से 127 तक वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अगर आप डबल टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो आप काफी बड़ी वैल्यूज बिग वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। अगर आप बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो आप ट्रू या फॉल्स उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये था मेरे पास जो चंद बेसिक हम यूज करेंगे वेरिएबल्स की टाइप्स हैं, यानी डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल इंट फ्लोट करेक्टर बाइट डबल बुलियन, इन टाइप्स के मैं वेरिएबल्स बना सकता हूँ। अब वेरिएबल बनाने का रूल क्या है, सबसे पहले हम लिखते होते हैं डेटा टाइप जो भी मैंने आपको बताया इंट होगा फ्लोट करेक्टर जो भी होगा, देन हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ए, ये क्या हो गया, अब मेरा वेरिएबल एक डिक्लेयर हो गया। जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ से तो ये मुझसे मांगेगा इसको एग्जीक्यूट करना है, आप यहाँ पे या फाइल रन में जाके आप इसको यहाँ से भी रन प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, रैम के अंदर एक बॉक्स बनेगा जिसका नाम होगा ए। जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊं, ये फॉर एग्जांपल रैम का एक स्ट्रक्चर है, जिस तरह मैंने ये बनाया ए बी सी डी, ये डिफरेंट किस्म के वेरिएबल फॉर एग्जांपल अगर बने पड़े आपके प्रोग्राम के अंदर तो रैम के अंदर इस तरह होगा, एक बॉक्स बनेगा। अगर आप इस तमाम चीजों को, अभी मैं कहता हूँ कि मैं इनको मिटा देता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने अभी कोड रन किया है तो वो क्या है मेरे पास, ये देखें, इसके लिए मैंने लिखा है ए इंट ए, यानी कि एक इंट के नाम इंट टाइप का एक वेरिएबल बना है रैम के अंदर जिसका नाम क्या है ए है। और ये क्या है, इस चीज से नहीं घबराना, ये है उसका एड्रेस, ये वो एड्रेस है जो हमारे लिए नहीं होता कंप्यूटर के लिए होता है, इसीलिए तो हम वेरिएबल बनाते हैं। अगर आप मेमोरी की इस सेल को इस एड्रेस एक्सेस करना होता तो कितना मुश्किल होता आपके लिए, याद करना और उसको बार बार मतलब यूज करना काफी मुश्किल हो जाता। तो इस एड्रेस से बचने के लिए हम क्या बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। जब आप वेरिएबल अपनी मर्जी से बनाएंगे तो क्या होगा, आपको ये कोड याद नहीं करना पड़ेगा, आप अपने वेरिएबल का जो नाम देंगे, आपने जब भी मेमोरी के उस सेल को एक्सेस करना होगा तो आप उसको हमेशा उसी नाम से कॉल करेंगे और वो एक्सेस हो जाएगा। अब चंद रूल्स हैं वेरिएबल बनाने की। वेरिएबल बनाने का पहला रूल क्या है कि वेरिएबल के नाम की स्टार्ट की में 1, 2, 3 मतलब कोई नंबर नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा देंगे तो ये देखें एडिटर मेरा कह रहे हैं कि ये रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, वेरिएबल्स के नेम के दरमियान स्पेस नहीं हो सकती, मैं ऐसे नहीं कर सकता ए, अगर आपने बड़ा नाम देना है तो मतलब है उसके दरमियान इस तरह दे सकते हैं या आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये अंडरस्कोर है, माइनस का साइन नहीं है। तीसरा रूल क्या है कि वेरिएबल के नाम के अंदर कोई स्पेशल करेक्टर मतलब एक एंड और डेल्टा वगैरह ये डिफरेंट साइन है, डॉट कॉमा वगैरह नहीं हो सकता, जो स्पेशल सिंबल वो एक्सेप्ट करते हैं, जस्ट ये अंडरस्कोर है, इसके अलावा आप नहीं दे सकती। वेरिएबल के नाम का पहला जो वर्ड होना चाहिए वो ए बी सी में से कोई होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल, और बाद में आप 1, 2, 3 दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल का नाम देते वक्त अगर आप देते हैं, मैं बनाता हूँ ए ए और एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ एंड ए ए, ये कैपिटल ए के नाम से बनाता हूँ, तो प्रोग्रामिंग जावा के अंदर ये क्या है, ये डिफरेंट है, मतलब ये वेरिएबल डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ये अलहदा रैम मेमोरी एक सेल का एड्रेस मतलब नाम होगा और ये एक अलहदा से मेमोरी सेल का एक नाम होगा, मतलब ये केस सेंसिटिव है, ये कैपिटल केस और स्मॉलर केस में फर्क है इसके अंदर। अब आपको मैं ये बताऊं कि आप वेरिएबल बना किस तरह सकते हैं। एक तरीकाकार ये है कि आप अलहदा अलहदा, मैं बताता हूँ ए बी के नाम से बनाता हूँ, एंट ए सी के नाम से बनाता हूँ। अच्छा ये देखिए मैंने क्या बनाया, एंट इसको मैंने बताया डेटा टाइप और इसके बाद में मैंने बताया वेरिएबल, और एंड पे मैंने क्या दिया सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या होता है, एंड ऑफ लाइन, यानी कि ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताता है कि यहाँ पे आपकी लाइन एंड हो रही है। अगर आप एक ही लाइन के अंदर सारे वेरिएबल बनाना चाहें तो उसका तरीकाकार ये है कि आप कॉमा दें
मैं मतलब डिफरेंट वेरिएबल बना रहा हूँ कॉमा से, ठीक है। मतलब ये सारे वेरिएबल कौन सी डेटा टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। आप इस तरह एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं उनको, और आप अलग अलग लाइन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, ये फ्लोट टाइप के बन गए, मैं कहता हूँ करेक्टर टाइप की, यहाँ पे एरर आ रहा है क्यों, क्योंकि ए बी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था एफ एल फ्लोट ए बी लिखा हुआ था, वो ए बी पहले भी बना पड़ा है। यानी कि मतलब है कि अगर आपने एक वेरिएबल एक नाम से बना दिए तो दूसरा वेरिएबल उस नाम से नहीं बना सकते आप। मैं फादर में इसको कहता हूँ ए सी सी सी, इसको कहता हूँ ए डी डी डी। मतलब है कि आपने वेरिएबल के नाम जो होंगे आपके प्रोग्राम के अंदर वो डिफरेंट होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि दो वेरिएबल का नाम सेम दे दें। अगर ऐसा देंगे फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो मेमोरी सेल है उनका सेम एड्रेस है, तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने कौन सा एड्रेस को एक्सेस करना है। यानी वेरिएबल्स क्या है, कंटेनर है, कंटेन करते हैं आपकी वैल्यूज को। जब भी आप चाहें इन इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, जब भी आप चाहें इनकी वैल्यूज को अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करके यूज कर सकते हैं, आप जब भी चाहें इन वैल्यूज के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये थी जस्ट वेरिएबल, अभी तक हमने इनको वैल्यूज असाइन नहीं की। वैल्यूज असाइन करने का तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही लाइन के अंदर वेरिएबल बना के उसको कोई ना कोई वैल्यू दे देता हूँ, मैं कहता हूँ 10। एक तरीका कार ये है कि मैंने इसको वैल्यू दे दी, या दूसरा तरीका कार मैं किया है कि मैं फॉर एग्जाम्पल फ्लोट टाइप का बनाता हूँ, ए बी बना देते हैं, ए सी सी बना देते हैं। एक लाइन के अंदर मैं वेरिएबल को डिफाइन कर देता हूँ, नीचे जाके मैं उनको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अब ये क्या है मेरे पास, ये क्या है इक्वल, इसको नहीं कहना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, वैल्यूज असाइन करता है। यानी जो इसकी इस तरफ राइट साइड पे जो वैल्यूज होंगी या जो भी रिजल्ट होगा उसको असाइन करेगा अपने लेफ्ट साइड के वेरिएबल के अंदर। आप लेफ्ट साइड के ऊपर कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं लिख सकते, ये देखिए आप एरर आ रहा है। यानी कि यहाँ पे हमेशा आपका वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब एक ऐसा कंटेनर जिसकी वैल्यू आप किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने बी बी लिखा है तो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ए बी बी वेरिएबल अभी तक मैंने ऊपर बनाया नहीं है। यानी कि वेरिएबल को बनाने से यूज करने से पहले उसको क्या करना है, आपने कोई ना कोई डेटा टाइप देनी है उसको, कोई ना कोई आपने बताना है कि ये कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, इंटीजर टाइप ए वेरिएबल है, ये क्या स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इसको कहता हूँ 10.20 तो ये एक एरर दे रहा है, यानी कि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इसको स्टोर नहीं कर सकता। ये चीज है, मतलब है कि आपने जिस टाइप का वेरिएबल बनाएंगे आप उसके अंदर उसी किस्म की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, उसके अलावा स्टोर नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बूलियन, मैं कहता हूँ बी बी के नाम से बूलियन बनाते हैं, इसको मैं करता हूँ ट्रू, तो ये देखिए अब ये इसमें एरर नहीं आ रहा। अगर मैं करता हूँ 1 2 अब ये एरर दे रहा है। यानी कि आप बूलियन के अंदर दो वैल्यू या ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे आगे वीडियोस में कि वेरिएबल्स के मतलब हम किस तरह इनके ऊपर मजीद ऑपरेशंस करते हैं या क्या काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आपने जस्ट अगर आपके पास कोई सोर्स है तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैं फिर बताता चलूँ, वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं, आप रैम के अंदर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स को यूज करते हैं, आप अपने से उनको नाम देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उन वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहें आप उनको एक्सेस कर लें। तो वेरिएबल्स की इतनी सी कहानी है, हम पूरे जितनी भी प्रोग्रामिंग करते हैं सारे के सारी चीजें वेरिएबल्स के ऊपर बेस कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपने बिलिंग करनी है उसकी कंपनी की, जितने भी आपके रिकॉर्ड सेव होंगे, जितने भी टोटल बिल बनेंगे, जितनी भी सेल होगी, सारे सारे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होंगे। जितने भी उनके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब हम कुछ बिल्स को किसी और प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, जितने भी ऑपरेशन होंगे सारे वेरिएबल्स के साथ होंगे। तो इसलिए वेरिएबल्स पर ज्यादा तवज्जो देनी है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आज के लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।